दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीवी सीरियल में नजर आने वाले मेन लीड सितारे ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल निभाने वाले सितारों का भी अहम योगदान होता है, जो अपने छोटे छोटे रोल से सीरियल में ट्विस्ट लाते हैं और सीरियल की स्टोरी को आगे बढ़ाने के साथ साथ टीआरपी के मामले में नंबर वन पर भी पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शो में छोटे छोटे रोल निभाने वाले सितारे कितने रुपए चार्ज करते हैं? क्या ये भी मेन लीड रोल निभाने वाले सितारों की जितनी ही फीस चार्ज करते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से मिलवाने वाले हैं जो अपने सीरियल में छोटे छोटे रोल कर मशहूर हो चुके हैं और बताने वाले हैं कि वो इन किरदारों को निभाने के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करें और जानें सीरियल में छोटे छोटे रोल निभाने वाले सितारे कितनी फीस चार्ज करते हैं। नंबर वन, करण कुंद्रा। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता करण कुंद्रा के बारे में, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में रणवीर सिंह चौहान का किरदार निभाते हुए नजर आए थे और इन्होंने सीरियल में बहुत ही छोटा रोल किया था, जिसके बावजूद भी इन्होंने 70,000 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज किए थे। नंबर टू, मानस जौरा। अब बात करते हैं मानस जौरा के बारे में, जो कुंडली भाग्य सीरियल में करण लूथरा के बड़े भैया के किरदार निभाते हुए नजर आए थे। वहीं अब ये नागिन 6 में प्रोफेसर पृथ्वी का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीरियल में इस छोटे से रोल को निभाने के लिए तकरीबन 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। नंबर थ्री, शरियन खंडूजा। चलिए बात करते हैं शरियन खंडूजा के बारे में, जो इन दिनों मीत सीरियल में मीत की बड़ी बहन मानुषी का किरदार निभा रही हैं और ये इस सीरियल में काम करने का पर डे का 50,000 रुपए चार्ज कर रही हैं। नंबर फोर, संजय गगनानी। चलिए बात करें संजय गगनानी के बारे में, जो नागिन 6 सीरियल में सपेरा का किरदार निभा रहे हैं और ये शो में नजर आने के लिए पर डे का 50,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। नंबर फाइव, शिखा सिंह। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में शिखा सिंह का नाम शुमार है, जो नागिन 6 में रिद्धि का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें ये सीरियल में सपोर्टिंग रोल निभाने के लिए पर डे के हिसाब से 60,000 रुपए चार्ज कर रही हैं। तो दोस्तों, आपका छोटे रोल निभाने वाले इन कलाकारों की फीस के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।